प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव राष्ट्र को समर्पित किया और नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी को आधारशिला रखी। बता दें कि पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए भाषण दे रहे थे। कॉन्क्लेव का विषय राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी है। पीएम ने कहा, नए साल अपने साथ एक नई उपलब्धि लेकर आया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो कोविड टीकों का विकास किया है। कॉन्क्लेव काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल CSIR NPL नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसकी स्थापना के 74 साल पूरे हो गए हैं। रविवार को पीएम ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। उन्होंने ट्वीट किया, सुबह 11 बजे से 4 जनवरी को राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया जाएगा। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव राष्ट्र को समर्पित होगा। राष्ट्रीय पर्यावरण मानक लैब के नींव भी रखी जाएगी। बता दें कि नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल भारतीय मानक समय 2.8 नैनो सेकंड की सटीकता के साथ देता है। भारतीय निर्देशक द्रव मानकों के अनुरूप क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए लैब में जांच और मेजरमेंट में सहयोग करेगी। वही राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला परिवेश वायु और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता में सहयोग करेगी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री पृथ्वी विज्ञान और डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस अवसर पर उपस्थिति रखेंगे। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।